अस्सलाम वालेकुम, सास बहू की जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आज मम्मी आने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी कि मम्मी गए हैं आउट ऑफ मुंबई, तो वो अभी रिटर्न आने वाले हैं। ऑलरेडी 4 to 5 days हो चुके हैं उन्हें जाके, अब वो आ रहे हैं रिटर्न। तो मैं उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ जो कि स्टार्टर में आती है, और वो स्पेशल डिश का नाम है चिकन चीज कटलेट। ठीक है, और मैं मम्मी के आने तक वो रेडी कर लूंगी ताकि वो आए, उसे खाए और उनकी थकान पूरी दूर हो जाए। ठीक है, तो अभी शाम तक वो आ जाएंगे, 6 to 7 o'clock तक वो पहुंच जाएंगे। तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाई मम्मी के लिए स्पेशली, और आप ये डिश अपने घर पे ट्राई करो। ठीक है, तो चलो। तो आओ मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या क्या इसके लिए इस्तेमाल करूंगी। ये है 1/2 kg चिकन, मैंने इसको बॉईल ऑलरेडी कर ली हूँ। इसमें इसको बॉईल कर देना है, मैंने इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट डाली हूँ। आप अगर ग्रीन चिली स्किप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बट मैंने डाल के इसे बॉईल की हूँ। और ये है एक एग और नमक, स्वाद अनुसार लेना है हमें। ये 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये चाट मसाला है 1 teaspoon। ये है चॉप्ड कीवी ग्रीन चिलीज, ठीक है, और ये है 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। ये है थोड़ी सी कोथमीर, फ्री हैंड हमें डालनी होगी उसमें। और ये है बॉईल किए हुए आलू जो हमें उसमें लगेंगे। और ये है कॉर्नफ्लावर का आटा जो हमें डिप करने के लिए इस्तेमाल होगा, मैं आपको बताऊंगी फ्राई करते टाइम। और ये है कुछ चीज़ के स्लाइसेस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कैसे बनाना है। अब मैं इसे स्मैश कर लूँगी सारे आलू को। ठीक है, इसे स्मैश करने के बाद हम इसमें चिकन के रेशे डालेंगे जो मैंने आपको बताई थी। तो ये सारे स्मैश हो रहे हैं। तो अब मैंने ये आलू को स्मैश कर ली हूँ। मैंने बाउल भी चेंज कर दी क्योंकि मुझे बहुत छोटा पड़ रहा था। देखो इस तरीके से स्मैश हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन के रेशे जो मैंने बॉईल करके रखी थी, पूरे रेशे में डाल दूंगी। ये चिकन ना 1/2 kg चिकन का रेशा है। ठीक है, तो ये मैंने इसे डाल दी। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले जो भी मैं ऐड करूंगी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। ये हो गया है अच्छे से मिक्स आलू और चिकन। ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ इसमें क्या क्या मसाले मैं डाल रही हूँ। चलो, पहले मैं इसमें डालूंगी 1 teaspoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। अभी इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, फिर चाट मसाला। अब ये चाट मसाले के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, जितना हमको चाहिए। ठीक है, फिर जाएगी इसमें कोथमीर फ्री हैंड, जितना आप डालना चाहे। तो ये सारे मसाले जा चुके हैं। तो ये जैसे कि अभी सब मिक्स हो गया है अच्छे से, अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ इसकी कैसी टिकिया बनेगी। ठीक है, अभी मैं ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप जितनी क्वांटिटी मैंने बताई हो उससे ज़्यादा क्वांटिटी भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कम डालना है या बराबर से चाहिए हर चीज़। कोई चीज़ आपको इसमें ज़्यादा ऐड करनी है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो अब ये रेडी हो गया है, अब मैं इसकी टिकिया बनाऊँगी। ठीक है, अब टिकिया बनाने के बाद उसमें हम बीच में डालने वाले हैं चीज़। तो ये ऐसी टिकिया बनानी है हमें इसे। और ये जो देखो ये जो चीज़ है ना स्लाइस चीज़, इसके मैंने 4 साइड कर रही हूँ ऐसे। और एक हम इसमें डालेंगे और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। जब अच्छे से बंद हो जाएगा तो हम इसे
फिर से गोल कर देंगे। देखो चीज भी नहीं दिख रहा है और टिकिया भी अच्छे से बन गई है, ठीक है। देन इसके बाद ना हमें इसे कॉर्नफ्लावर में डालना है और फ्राई करते टाइम एग में डालना है। और आप एक और काम कर सकते हो, जब आप इसे कॉर्नफ्लावर में डालोगे ना तो इसके बाद फ्रीजर में भी रख सकते हो। देखो अब ये टिकिया बन गई है। अब मैं सबकी टिकिया बना के आगे क्या करना है आपको बताती हूँ। अब ये टिकिया हो गई है बना के मेरी रेडी। अब मैं इसको ना कॉर्नफ्लावर के आटे में ऐसे डिप करूंगी, इसे कोट करके मैं इसे रख दूंगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो जब आपको खाना है आप इसे कोट करके फ्रीज भी करके रख सकते हो, फिर जब आपका मन करे आप इसे निकालिए, फ्राई करें और इसके मजे लीजिए, ठीक है। एंड ये होने के बाद मैं मम्मी को कॉल भी करके देखती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे। तो चलो ये होने के बाद हम कॉल करते हैं मम्मी को, जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लूँ ताकि मैं उन्हें गरम गरम प्यारे प्यारे कटलेट खिला सकूँ। तो ये हो गए हैं रेडी। अब चलो मम्मी को पहले जल्दी से कॉल करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो कहाँ पहुँचे, तब तक मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। किधर पहुँचे मम्मी? हाँ क्या, अच्छा ठीक है, फिर आपको आने के लिए एक घंटा पकड़ूं? अच्छा ठीक है ठीक है, फिर आओ फिर आप, ठीक है। और भूख लगी है? मम्मी नहीं कुछ खाओ मत आप, मैंने घर में आलू की सब्जी रोटी दाल चावल बन क्या मम्मी? हाँ मैंने आलू की सब्जी रोटी सब बनाई हूँ, आप क्यों खाते हो बाहर, घर पे आके खाओ, ठीक है। ठीक है तो जल्दी आओ फिर, हाँ नजदीक आए तो मुझे कॉल करो मम्मी, ठीक है। हाँ चलो अल्लाह हाफिज। मम्मी को आने के लिए भी है एक घंटा, तो चलो तब तक के लिए मैं थोड़ी साफ सफाई भी कर लेती हूँ घर की, ठीक है। चलो मम्मी आ गए। आपको आने के लिए भी टाइम हो गया ना? और कैसा रहा? अच्छा रहा। याद आई मेरी? हाँ आई ना माँ, मेरे को तो बहुत याद आई, मेरे को तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, पता है। आप तो फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चलो ये भी मैंने चाय भी रखती हूँ और ये मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रखती हूँ। और मम्मी गए हैं फ्रेश होने के लिए और मम्मी को आने के लिए बहुत टाइम लग गया, डेढ़ घंटा लग गया, तब तक के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दी थी, ठीक है। तो अब मैं इसको ना इसमें डाल के फ्राई करूंगी। और मम्मी को पता नहीं है कि मैंने मम्मी के लिए कटलेट बनाई हूँ, वो भी चीजी कटलेट, जो कि उनको अच्छा लगेगा। इसको फ्राई करने से पहले इसको इसमें क्या क्या डालते हैं, कैसे फ्राई करते हैं मैं बताती हूँ। ये काली मिर्च, मैं इसमें थोड़ा काली मिर्च डालूंगी, ये एक अंडा है, ठीक है, और थोड़ा सी नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, ओके। इसे अच्छे से फेंट लूंगी, अभी मैंने इसको फेंट ली हूँ अच्छे से। अभी मैं इसको ना कोट करूंगी ऐसे, इस पे हम ये कटलेट डिप करेंगे और ये जाएगा तेल में, तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। मम्मी भी हो रहे फ्रेश, तब तक के लिए रेडी हो ही जाएगा। मैं चाय के साथ में ही दे लूंगी। तो चलो ये हो गए हैं रेडी,
ठीक है, ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे होता है ना, तो खाने में भी अच्छा लगता है हमारा चिकन, चीजी चिकन, चीजी चिकन। ठीक है, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी और मम्मी को सर्व करूंगी, और मुझे उनका रिएक्शन भी देखना है कि इसे देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, उन्हें लगी है बहुत भूख और वो ऑलरेडी बहुत थक गए ट्रैवल करके, तो चाय भी हो गई है हमारी रेडी। चलो फिर मैं भी सर्व करती हूँ मम्मी को। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब? ठीक है, और मैं इधर नहीं थी एक हफ्ते के लिए, थोड़ा बाहर थी, तो रेसिपी भी आपको नहीं मिली, तो अभी हम रेसिपी भी आपको आगे आगे देंगे अच्छी अच्छी। और आज मैं आई हूँ तो देखते हैं शैनिला ने मेरे लिए क्या बनाई है। ओके, क्या बनाया बेटा? चीज कटलेट है। अच्छा, चीज कटलेट देखेंगे ट्राई करके। ये क्या बनाई है शैनिला? चिकन चीज कबाब कटलेट। कटलेट चिकन चीज कटलेट। अच्छा अच्छा, देखते हैं ये कैसा बनाई है। अभी इसमें देखिए, आप भी देखिए कैसा बना है। अरे वाह, इसमें तो चीज भी है, और क्या है इसमें? इसमें आलू है, चीज है, और कई तरह के मसाले हैं जो मैंने डाली हूँ। खा के बताते हैं कैसा है। ओके, लग रहा तो बहुत ही डिलीशियस, यम्मी दिख रहा है। वाओ, मस्त है। अच्छा लग रहा। चीजी है, चीजी चिकन। वेज तो बनी थी, वेज 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 बनाओगी? वो तो मैंने ऐसे ही बोली जानबूझ के। झूठी। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही मस्त बना है, स्वादिष्ट। देखो बेटा तुम भी खाओ। और चिकन का तो इतना अच्छा वो आ रहा है स्वाद, और बहुत ही अच्छा बना है, बेहतरीन बना है। तो आप भी घर में ये जरूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसे लगी। और हम सारी सारे वीडियोस में ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो आप वहां पर देखकर भी आप बना सकते हो। ठीक है, एंड कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, है ना शैनिला? हाँ जी, और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। अब हम आएंगे न्यू रेसिपी के साथ, क्योंकि मम्मी आ गए हैं वापस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।